हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड स्टाइल विद मी रिचा। दोस्तों, जैसा कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं टीवी सीरियल अनुपमा के इंस्पायर्ड मेकअप लुक को क्रिएट करने वाली हूं। इसके पहले भी मैंने एक बार और अनुपमा का इंस्पायर्ड मेकअप लुक आप सबके साथ शेयर किया था। उसमें मुझे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया कि आप अनुपमा के स्कूल रीयूनियन का मेकअप लुक क्रिएट कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये कुछ नेवी ब्लू साड़ी में उन्होंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जूड़े और गजरे के साथ मेकअप किया था, वही लुक मैं आज यहाँ पर क्रिएट करने जा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ, कितना सही जाता है कितना नहीं ये तो आप ही कमेंट करके बता सकते हो, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से आप सबके सामने दिखा सकूं। तो चलिए मेकअप को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने लॉरियल का ये रीवाइटालिफ्ट माइक्रो एसेंस यूज किया है अपने फेस पर, थोड़ा सा ड्राई हो जाने दें। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लोविया की ये स्पॉट करेक्टर क्रीम यूज करी है। ये क्लोविया बोटैनिका की तरफ से है। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छी क्रीम है ये, लाइट वेट है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मे का ये ब्लर परफेक्ट फेस प्राइमर यूज किया है। इसको अच्छे से स्किन पर प्रेस कर करके लगाना है, जिससे कि जो भी आपके ओपन पोर्स वगैरह हो वो छुप जाएं। और इसके बाद मैं यहाँ पर लॉरियल का ये फाउंडेशन ले रही हूँ और इसका शेड नंबर है 104। तो इसको अपने पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई करूंगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का ये कंसीलर और इसका शेड नंबर है 20 सैंड। इसको मैं अपने अंडर आईज पर, आईलिट्स पर, ब्रिज ऑफ नोज पर, माउथ के अराउंड सब जगह अप्लाई कर लूंगी और उसके बाद मैं इसको सेम वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। साड़ी आप देख सकते हो मैंने कोशिश करी है मैच कराने की, बट मेरे पास नेवी ब्लू कलर की कोई सेम वैसी साड़ी नहीं थी, तो मैंने ब्लू कलर की जो साड़ी मेरे पास सिल्क में थी वो मैंने चूज कर ली है। मिल रही है थोड़ी बहुत, तो मैंने सोचा कि इसको चला सकती हूँ मैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर मेबलिन फिटमी का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की ही हेल्प से मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर NYBA का ये जो है कंसीलर लिया है, जिसका शेड नंबर है 04 और इससे मैं अपने फेस की कॉन्टूरिंग करूंगी। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, काफी अच्छा कंसीलर है। इसको मैं एज अ कॉन्टूर शेड यूज करती हूँ, बट इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो आप चाहो तो इसका जो है कंसीलर भी यूज कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। तो सेम उसी कंसीलर से मैं अपने नोज की भी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला शेडो पैलेट लिया है और उसका ये डार्क ब्राउन शेड लेकर इससे मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी। और जैसे कि आपने देखा होगा अगर सीरियल अनुपमा, तो अनुपमा की जो आईब्रोज होती हैं वो आगे से पीछे तक पूरी एक जैसी ही फिल होती हैं, कहीं पर लाइट कहीं पर डार्क नहीं होती हैं। तो मैं उसी तरीके से अपनी आईब्रोज को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दूसरी आईब्रोज भी मैंने फिल कर ली है और अब आ जाते हैं आई शेडो पर। तो मैं यहाँ पर ये पिंक वाले शेड्स यूज कर रही हूँ, तो मैंने ये लाइट वाला शेड यूज किया है। इसको अच्छे तरीके से अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करना है और उसके बाद उसको ट्रांजिशन एरिया तक ले जाना है, जिससे कि एक जो है ट्रांजिशन का इफेक्ट आए। तो इसको मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया है और इसके बाद एक ब्लैक आई शेडो बहुत ही हल्का सा सेम ब्रश पर लेकर इसको मैं आउटर वी पर अप्लाई करके इसको अच्छी तरीके से पहले वाले पिंक शेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अनुपमा की जो आईज होती हैं, आई मेकअप होता है वो ज्यादातर इसी टाइप का होता है कि उनकी जो है क्रीज पर थोड़ा डार्क आई शेडो लगा होता है और जो आईलिड्स हैं उन पर थोड़ा सा शाइनी सा जो है शेड होता है, जब वो कुछ स्पेशल मेकअप कर रही होती है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा सिल्वर काइंड ऑफ थोड़ा शाइनी सा शेड ले लिया है और उसको अपनी आईलिट्स पर अप्लाई कर लिया है और फिर से एक बार सब जो है दोनों शेड्स के बीच में उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो आई शेडो मेरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का ये लाइनर यूज कर रही हूँ और इससे एक हल्का सा छोटा सा विंग निकालते हुए मैं लाइनर लगाऊंगी। तो लाइनर भी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं यहाँ पर प्लम का काजल यूज करने जा रही हूँ। वैसे तो इस लुक में उन्होंने बहुत डार्क काजल यूज नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत ही हल्की सी एक लाइन सी दे रही हूँ इस पे और इसको मैं स्मज करूंगी एक ब्राउन कलर के आई शेडो के साथ, जिससे कि एकदम नेचुरल सा लुक आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि काजल लगाया हुआ है। इस लुक में उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट सा नीचे के साइड में जो है एक काजल का लुक सा दिया है, बट वो डार्क काजल नहीं लगा रखा है उन्होंने। अब मैं यहाँ पर मेबलिन का ये जो है वाटरप्रूफ मस्कारा यूज कर रही हूँ और
इसके बाद मेबलिन फिटमी की ही रेंज से मैं ये 30 नंबर शेड ब्लश का यूज कर रही हूँ अपने चीक्स पर, और इन साइड का मैं हाइलाइटर यूज करूंगी। हाइलाइटर बहुत ही लाइट मैं यूज करूंगी क्योंकि उनके मेकअप के टाइम में बहुत ज्यादा हाइलाइटर का यूज नहीं किया जाता है, नहीं दिखाई देता है अलग से, आईज पर ही ज्यादा जो है जोर दिया जाता है। तो ये मैंने बहुत ही हल्के हाथों से हाइलाइटर को यूज किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगाऊंगी, तो दो शेड मिक्स करके मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। शेड का नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उनका जो है पिंक सा बहुत ही अच्छा सा ब्राइट सा पिंक सा शेड है जो उन्होंने लगा रखा है, तो ये दो शेड मिक्स करके मैं इसको लगा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि सेम शेड आ जाए। तो बस मेकअप कंप्लीट हो गया है, इसको मैं NYX के मेकअप सेटिंग स्प्रे से अच्छे से सेट कर लूंगी और थोड़ा सा इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से डैब डैब कर दूंगी जिससे ये अच्छे से ड्राई भी हो जाए और सारी जो है जो चीजें हमने अप्लाई करी हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। So damn lies to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my